मुझे ड्रॉप कर सकते हो? आप कहाँ से हो? अगर मेरी जॉब फाइनल होती है तो मैं आपको भेज दूंगी। तो आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मैं तो कैसे हैं आप लोग? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहारी बाइकर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग अपने इस बाइक को बनवाएंगे और जो भी इसके पार्ट्स एक दो ख़राब हैं उसे आज हम लोग लेने के लिए जाएंगे। तो फटाफट चलते हैं और इसके पार्ट्स लेके आते हैं। तो पहले हम लोग अपने निंजा को करेंगे कोल्ड स्टार्ट और फिर हम आपसे मिलते हैं। लोग बेली रोड पे आ चुके हैं और जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकला हुआ है और ठंड से तो बहुत ज़्यादा राहत है अभी। और आज बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रहा है एक चीज़ का, कि बाइक वो काफ़ी दिन से चल नहीं रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके कारण से वो बाइक घर पर ही लगा हुआ है। और वो बाइक भैया ने लिया था, वो हमारे घर की पहली बाइक है, तो अभी उसके पार्ट्स लाएंगे फिर उसको बनाएंगे और उसको बनवाने के बाद फिर मैं आपको उस पर भी एक राइड लूँगा और वो दिखाऊँगा आपको कि वही बाइक है जिसमें मैंने काफ़ी साल चलाया है उस। तो अभी हम लोग चलते हैं दुकान में और उसके जो भी पार्ट्स मुझे मैकेनिक ने बताया कि ये ले लेना है, वो सारे कुछ हम लोग लेके आएंगे और फिर उसको बनवाएंगे। तो गाइज, अभी हम लोगों ने शॉर्टकट ले लिया था, बट आप तो देख ही रहे होंगे कि रास्ता थोड़ा सही नहीं है और ऑफ रोडिंग हो गया है शॉर्टकट के चक्कर में। तो अभी तो शॉर्टकट ले लिया है बट रिटर्न के टाइम पे वही ओवरब्रिज से ही लौटेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी रास्ता सही मिलेगा। कुछ दूर पीछे भी और भी रास्ता ख़राब था, इसलिए मैंने ज़्यादा आपको दिखाया नहीं। तो गाइस, अभी हम लोग फटाफट अपना काम करेंगे। क्या? एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है। हाँ, मुझे 11:30 में रिपोर्ट करना है, सो प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो? एक्चुअली यहाँ पे कोई भी ऑटो नहीं आ रही है और मैं कब से कैब भी बुक कर रही हूँ, इस लोकेशन पे एक भी कैब नहीं शो कर रहा है। आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए। जाना कहाँ पे आपको? मेरे को जाना है गांधी मैदान हथुआ टावर। अच्छा, हथुआ टावर के पास जाना है। अरे गाइस ठीक है, तो आप बैठ जाइए। तो मुझे भी अभी उधर ही जाना था एक्चुअली। आप मुझे ड्रॉप कर दो। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। आप कंफर्टेबल हो? गाइस ये क्या, अभी तक तो मैं बस ऐसा देखता ही आया हूँ। हाँ, मैं यहीं पटना से ही हूँ। आप कहाँ से हो? किस चीज़ का इंटरव्यू है आपका? इंटरव्यू किस चीज़ का है आपका? ओके, चार। ओके ओके ठीक है, तो आपको 1:30 तक रिपोर्ट करना है ना? अच्छा, ऐसे एग्जैक्टली हथुआ है कहाँ पे? हाँ हाँ, होटल पनास तो देखा है। हाँ हाँ, मुझे इधर का पूरा आइडिया है। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। एक्चुअली गाइज, ये जो होटल पनास है यहाँ पे ही मेरे भैया का रिसेप्शन हुआ था अभी 21 को। एक्चुअली गाइज, बहुत ज़्यादा नर्वस टाइप का फील हो रहा है, नहीं पता क्यों। मतलब ऐसे यार, मतलब ऐसा मैं मूवी वूवी में ही देखा हूँ बस। बट इनको सच में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा अगर, और मैं ऐसे जनरली किसी के लिए बाइक रोकता नहीं हूँ, बट वहाँ पे वो ऐसा रूट है जहाँ पे आपको दिखा होगा कि कोई भी ऑटो नहीं मिलता है और कोई भी ऑटो या कैब नहीं मिलता है, इस कारण से मैं रुक गया। एक्चुअली अभी ज़्यादा तो स्पीड हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने किसी को बैठाया है अननोन को, तो ज़्यादा स्पीडिंग भी सही नहीं होगा। बट एक्चुअली अभी जितना टाइम है उस टाइम पे हम लोग बहुत आराम से पहुंच जाएंगे उस जगह पे। लेकिन अगर ऐसा होता कि इनको अगर जैसा कैब मिल नहीं रहा था या फिर ऑटो वगैरह लेना होता, तो ऑब्वियसली ये टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाते। तो चलो यार, अपना तो काम ही है लोगों का हेल्प करना, तो यही एक हेल्प सही। मतलब अभी ऐसा हो गया कि बोलने में मेरे आवाज़ लड़खड़ा रहा है। क्या
क्या? अभी तो बेसिकली नहीं नहीं जॉब नहीं कर रहे हैं। बेसिकली अभी मेरा MBA चल रहा है और मोटो ब्लॉगिंग ही करते हैं। तो अभी हम लोग गाइस यहाँ से हम लोग भी शॉर्टकट ही लेंगे थोड़ा। और उम्मीद तो यही करते हैं कि इनको टाइम से पहले पहुँचा दें। एक्चुअली हमें जो पार्ट्स लेना था वो भी एग्जीबिशन रोड में ही मिलेगा, और जहाँ पे एग्जीबिशन रोड का एंड होता है वहाँ पे ही वो होटल पनास है। एग्जैक्टली वो गांधी मैदान का ही लोकेशन आता है। तो चलते हैं सीधा होटल पनास और टाइम पे इनको वहाँ पहुँचा देंगे। एक्चुअली नर्वसनेस में क्या बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है गाइस। कुछ ज़्यादा ही मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, मतलब समझ ही रहोगे आप। अब तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है कि मैं क्या बोलूं फिलहाल। एक और निंजा थी गाइस। रोड पे अपनी बाइक देखने के बाद फीलिंग आता है यार, भाई भाई वाला फीलिंग आता है, भाई भाई। अभी हम लोग इको पार्क वाला एरिया जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और अभी भी जो गाइडलाइंस के अनुसार जो रूल्स बने हैं उसमें अभी भी पार्क को नहीं खोलना है। तो ये काफ़ी टाइम से बंद ही चल रहा है जब से वो रूल्स आए थे कोविड को लेकर के, न्यू ईयर के टाइम से ही ये बंद है। ये खाली रास्ता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पीड गेन कर सकते हैं गाइस, और 130 तक इनको पहुँचना। और टाइम तो आपको दिख ही रहा होगा कि 116 हो गया है। हम लोग गांधी मैदान पहुंच गए हैं और अब यहां से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे लोकेशन पे। वो रहा जो सामने आपको वो बिल्डिंग दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ब्राउन और शीशे से पूरा भरा हुआ, वही होटल पनास है। और अभी टाइम हो रहा है 1:24, तो गाइस ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले हम लोग पहुँच गए हैं। फटाफट इनको उतार के फिर तो गाइस ये रहा होटल पनास। ओह तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए। क्या तो अभी आपका जो इंटरव्यू हो कितने बजे से होगा? चलिए तो फिर आपको ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। अगर मेरी जॉब फाइनल होती है तो मैं आपको अपडेट दूंगी। तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका जॉब लगा है कि नहीं? तो आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दे दो, मैं आपको उस टाइम पे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आगे है biharibiker BR01। एक काम करो आप मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज दो उस पे। कंट्रोल कंट्रोल उदय मैंने आपको भेज दिया है, आप एक बार चेक करो। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस फाइनली इनको मैंने टाइम पे पहुंचा दिया, और इन्होंने कहा है कि अगर इनका जॉब लग जाएगा तो ये मुझे ट्रीट देंगी। तो भगवान जी इनका जॉब लगवा देना, मैं प्रे करूंगा गॉड से कि इनका जॉब लग जाए। तो गाइस आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो आपसे मिलते हैं हम लोग अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।